एक तरफ प्रदेश के मुखिया लगातार अपराध को कम करने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अपने मातहतों को सक्रिय रहने का पाठ पढ़ा रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बदमाश पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं और आए दिन सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर पुलिस के हौसले को पस्त कर रहे हैं। ताज़ा मामला मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां बैंक से एक शिक्षिका 3 लाख रुपए निकाल कर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश लाखों रुपए से भरा बैग छीन कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। अभी जब सूचना मिली है कि ओरिएंटल बैंक से एक महिला पैसे निकाल करके चली, आने के साथ दो बार वो रुकी है बगल के स्थान पर जहाँ हम लोग खड़े हैं इस स्थान पर। उनका कहना है कि उस स्कूटी की जो डिग्गी थी वो थोड़ी सी खराब थी सीट वाली, और उसको सही करने के लिए उतरी थी और उसके बाद हेलमेट लेकर के थोड़ा दूर गई। नीचे से कुछ लोग आए और बैग चोरी कर लेकर चले गए। सीसीटीवी कैमरा जहाँ कहीं भी लगे हुए हैं, पहले तो बैंक को हम लोगों ने खंगाला, वहाँ पर कोई संदिग्ध नहीं थी। फिर यहाँ जो लगा हुआ है जहाँ वो पहली दफ़े खड़ी हुई है, वहाँ उनके साथ कोई वारदात जैसी स्थिति नहीं बन पा रही है। अब ये स्थान चूँकि सीसीटीवी कैमरे से उतना कवर्ड नहीं है, आसपास के कैमरों पर हम लोगों की नज़र है, तो देखते हैं। फिर जो पंप के पास कैमरा निकलता है उस पर हम लोग देखते हैं, पंजीकृत अभियोग कर लिया गया, उनसे तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर ये कानपुर में लूट की अनोखी वारदात हुई, जहां दिन दहाड़े दो बाइक सवार लुटेरों ने एक दुकान से 20 लीटर भरे पानी का केन लूट लिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की। वहीं पुलिस अनोखी लूट करने वाले लुटेरों की तलाश कर रही है। दिनांक 27 जून 2019 को श्रीमती पूनम तिवारी द्वारा थाना फील खाना में एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि वो अपनी दुकान के बाहर एक जो वाटर कैन थी जो लगभग 20 लीटर की थी, दो मोटरसाइकिल सवार उठाकर उसको ले गए हैं। इस संदर्भ में थाना फीलखाना द्वारा जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि ये किसी की शरारत है, बावजूद जांच के उपरांत ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। थैंक यू। भदोही के उंज थाना क्षेत्र के कुरमैचा में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटी ने अपनी माँ की गला दबाकर हत्या कर दी। माँ का कसूर सिर्फ इतना था कि वो बेटी को फोन पर प्रेमी से बात करने के लिए मना रही थी। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गहनता से छानबीन की, इस दौरान मृतिका की बेटी पर शक होने पर पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ये दिनांक 27/6/2019 की बात है कि शाम 5 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि एक डेड बॉडी थाना ऊज व करमेचा के बीच में पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष मैं और एडिशनल एसपी साहब घटनास्थल पर पहुंचे, तो वहां जाकर पता लगा कि ये बॉडी, तब तक वो अज्ञात में थी, लोग इकट्ठे हो गए, तब पता चला कि ये जो बॉडी है ये मैना देवी वाइफ ऑफ इंद्रमणि की है। तो इस सूचना पर बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। उसके बाद जब छानबीन की गई तो ये पता चला कि मैना देवी अपनी बेटी शिव कुमारी उर्फ मंजू के साथ निकली थी सुबह घर से, और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, और जिस दोनों में कोई फ़ोन आया था उसकी माँ के पास, और वो फ़ोन उसकी बेटी के लिए आया हुआ था। फ़ोन उस समय उसकी बेटी का उसकी माँ के ही पास था, जिस कारण उसे पता लग गया कि ये फ़ोन किसका है। उन्होंने पूछा कि बेटी किसका फ़ोन है, तब उसने बताया कि ये जो भी उसके संबंध किसी से रहे होंगे उसके फ़ोन थे, उसकी अभी जांच की जाएगी। तो उसी की बात को लेकर दोनों माँ बेटियों में झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मारपीट करी, और बेटी को बताया अनुसार उसने उसको गिरा लिया और गला और मुंह दबा दिया, और लगभग 20 मिनट तक उसका मुंह दबाई रही, जिस कारण उसकी हत्या हो गई, और उसे ये करने के बाद अपने घर पर। मथुरा में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं जब पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से छानबीन की तो खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस ने हत्यारोपी प्रेमी और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। साथ ही पुलिस ने अवैध हथियार और 2 मोबाइल बरामद किए हैं। उनको एक डेड बॉडी यहां पर बरामद हुई थी जैत चौकी थाना वृंदावन के अंदर। शुरू में ये डेड बॉडी अज्ञात में थी, बाद में इसकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के बाद जब इसका पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम के अंदर इसके अंदर बुलेट इंजरी, गोली मार के हत्या जो है निकल के आई,
घटना का अनावरण करा गया है। मृतक का नाम राजेंद्र है और इसके अंदर ये चीज़ निकल के आई है कि जो मृतक की पत्नी है वो भी इस घटना के अंदर इन्वॉल्व थी। आकाश नाम के एक व्यक्ति से मृतक की पत्नी के संबंध हुए थे और वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। इसके अंदर कुछ उनकी फोटोग्राफ्स और कुछ डिटेल्स भी इसके अंदर जो है मिली है और मिलने के उपरांत जो है जब घटना का अनावरण हुआ और ये भी चीज़ निकल के आई कि उसने शराब पीने के बहाने जो अभियुक्त है अपना एक साथी विकास जो अभी फरार है उसको लेके गए, मृतक को शराब पिलाई और उसके बाद उसको जब वो उठा वहाँ पर तो उसको धक्का दिया, धक्का देके उसको पीछे से यहाँ पर गोली मारी ताकि बाहर से ये लगे कि ये घटना हत्या नहीं बल्कि एक दुर्घटना है। अलीगढ़ में थाना खैर के गांव लोहागढ़ में युवक की प्रेमिका के परिजनों ने पीट पीट कर हत्या कर दी जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक का गांव की युवती से पिछले कई दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसको लेकर दोनों ही परिवारों में अनबन चल रही थी, जिसके चलते प्रेमिका के परिजनों ने पहले युवक को फोन करके बुलाया और फिर उसकी जबरदस्त पिटाई की जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की कार्रवाई, प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाँव लोहागढ़ में लखन नामक एक युवक की पीट पीट के हत्या कर दी हुई है। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है उसमें लड़की और लड़के की समुदाय के थे, आपस में प्रेम प्रसंग था, तो लड़की के भाई बुआ के लड़के और अन्य लोगों ने मिलकर इसको मारा बेटा जिसकी वजह से इसकी बाद में मृत्यु हुई। हमीरपुर में एक बार फिर से रिश्तेदार दागदार हुए जहाँ की परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का बेटा निकला जिसने प्रॉपर्टी के लालच में अपने सगों की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने नरसंहार के आरोपी बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर थाना कोतवाली क्षेत्र में कल लक्ष्मीबाई तिराहा के पास एक घटना हुई थी। एक परिवार में 5 सदस्यों की हत्या की गई थी, उनको हथौड़ा या अन्य किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट में कुचल कर उनका हत्या की गई थी। जिस घटना पर पुलिस हरकत में आई, घटना की सूचना लगभग 7:45 हमें प्राप्त हुआ था और उसके बाद 5 टीमें बनाकर यहाँ पर स्थानीय पुलिस SP साहब के नेतृत्व में लग गए थे और उसके बाद अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी बार बार इन्हें मार्गदर्शन मिलता रहा। DIG साहब भी कैंप करते रहे और हम लोग ने प्रयास किया कि इसको शीघ्र पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि मानवता के विरुद्ध इतनी बड़ी घटना था और अत्यंत सनसनी भी फैल गई थी और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस घटना में रईस पुत्र नूरबख्श और उनकी पत्नी रोशनी और बेटी 3 साल की अलिया और शकीना और उसके साथ रोशनी, ये 5 सदस्य जो है एक घर के जिनको मौत के घाट पर उतार दिया गया था। इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त जांच के बाद और विभिन्न वैज्ञानिक तथ्यों को संकलित करने के बाद ये पता लगा कि इनके सगे भाई जो कि इस समय पुलिस के कस्टडी में है, नफीस जिनका उम्र लगभग 30 वर्ष है और ये ड्राइवर का कार्य करता है और उसके द्वारा ये कारित किया गया है और उसने जो जो चीज़ें बताया है और जो वैज्ञानिक तथ्य है जो हमारे साक्ष्य संकलित किया गया है वो सभी टैली कर गया है। उधर बागपत में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं जहाँ पिछले एक सप्ताह में दर्जनों बड़ी आपराधिक वारदातें हो चुकी हैं और एक बार फिर क्षेत्र में 2 परिवारों में पिछले काफी समय से चल रही रंजिश के चलते चचेरे भाइयों ने जमकर संघर्ष और फायरिंग हुई जिसमें युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर जांच में जुटी हुई है। देखिए, ये थाना बड़ौद का हिलवाड़ी गांव है। आज यहां एक परिवार के ही सगे चाचा ताऊ के लड़के थे, दो चचेरे भाइयों ने एक दूसरे को फायर किया है जिसमें एक की डेथ हो गई है और एक कभी हॉस्पिटल में गया है। इसमें हम लोग अभी मौके पर हैं, छानबीन कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो अब तक पता चला है उसमें यहाँ पे ट्यूबवेल में पानी लगाने को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ है और दोनों ने एक दूसरे को फायर किया है और उसके चलते। वही सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के रंपा कुरर में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का शव घर में चारपाई पर मिला जबकि युवक का शव युवती के घर से कुछ दूरी पर पेड़ से लटका मिला। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी तय थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उनका दोनों का जैसा बताया जा रहा है कि शादी की बात लगभग तय थी, कल से वो घर में मौजूद था
किसी कारणवश उनके घर के व्यक्तिगत कारणों की वजह से जिसका भी कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है और ना ही कोई और बात पता चली है, उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। महिला का और जिस दोनों जो शादी तय हुई थी पति और पत्नी अभी बने नहीं थे, वो उनका कोई किसी कारणवश लड़की जो है उसका जहर खाकर उसने आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है और वहीं पर घर के पास ही जो लड़का है वो फांसी लिया है उसने पेड़ से, तो उसमें भी जांच की जा रही है। प्रयागराज में पुलिस ने अधिवक्ता सुशील पटेल की हत्या का खुलासा कर दिया है। अधिवक्ता सुशील पटेल के कत्ल की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही साथी वकील ने रची थी। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की जमीन के लिए अधिवक्ता सुशील पटेल की हत्या की गई थी। पुलिस ने मुख्य आरोपित वकील और 2 प्रॉपर्टी डीलर को पकड़कर इस चर्चित हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब गोली मारने वाले शूटरों की तलाश में दबिश दे रही है। वहीं अंबेडकर नगर के टांडा कस्बे में सपा नेता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने सपा नेता के हत्यारे वसीम असगर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस और 1,000 रुपए बरामद हुए। हत्यारोपी पर 20,000 का इनाम भी रखा गया था। बता दें कि 16 मई को अज्ञात बदमाशों ने देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग कर सपा नेता की हत्या की थी। पिछले माह अयाज उर्फ गुल्लू की हत्या हुई थी, थाना अलीगंज क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था, टांडा नगर में ही। उसमें एक अभियुक्त पहले वैदुर रहमान गिरफ्तार हुआ था, एक अभियुक्त गिरफ्तारी शेष थी और कुछ भी अभी संदेह के दायरे में, उसके दूसरा अभियुक्त वसीम गिरफ्तार हुआ है। और जिस ये शूटर है इसके पहले भी इसके ऊपर विभिन्न गंभीर धाराओं के 10 मुकदमे हैं। इससे मोबाइल जो इसने घटना में यूज किया था, जिससे इंटरेक्ट किया था, वो रिकवर हो गया है। जो इसने वेपन यूज किया था 911 का, वो भी यूज। आजमगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने फर्जी कंपनी खोलकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया। दरअसल सिधारी थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जालसाज कंपनी ने लोगों को लाखों का चूना लगाया और फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और आज एक जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस इसके साथ शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। यह था कि शिकायत की गई थी कि कुछ लोग जो है फर्जी कंपनी बना करके खाते में पैसा डलवाते हैं और उसका ये कहते हैं कि हम इसको एक निर्धारित समय में आपको 2 गुना 3 गुना करेंगे। उसमें कई लोगों ने पैसे जमा किया और बाद में वो कंपनी ट्रेस आउट नहीं हुई और लोगों ने कंप्लेन की कि हमारे पैसे हड़प करके भाग गए हैं। इसकी पूरी वेचना की गई, वेचना के दौरान ये एक गैंग का खुलासा हुआ जिसमें पाया गया कि ये मऊ के जो है रणजीत और राम कैलाश हैं। इन्होंने एक फैंटासी नामक एक कंपनी बनाई है जिसमें लोगों को मोटिवेट करके अपने खाते में उसके खाते में पैसा जमा कराते थे। पैसा जमा कराने के प्रलोभन यह था कि हम इसको आपको 2 गुना 3 गुना करके आपको वापस करेंगे। काफ़ी लोगों ने इसमें पैसा जमा किया और बाद में ये लेकर के उसको फरार हो गए। आज उसका एक सदस्य जो चंद्रशेखर है, जो मोटिवेटर का काम करता था, लोगों को मोटिवेट करता था पैसा जमा करने के लिए, वो पकड़ा गया है। वहीं हापुड़ के कोतवाली पिलखवा पुलिस और स्वाट ने लोन के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग की 3 युवतियों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंग का सरगना मौके से फरार हो गया। इनके पास से पुलिस ने 19 मोबाइल, 2 ATM कार्ड, 2 मोहरे, 9 रजिस्टर बरामद किए हैं। ASP ने पुलिस टीम को 5,000 के इनाम देने की घोषणा भी की है। ये कॉल सेंटर बना करके कुछ लोग जो है ये मोबाइल से जो है लोगों को जो है स्कीम की गलत स्कीमें जो है जो बिना किसी जो है किसी भी संस्थान से जो है उसमें अप्रूव्ड है या किसी अन्य है ऐसे ही गलत स्कीमें डाल करके लोगों को लोग लुभावन बातें करके उनसे पैसे जमा कराते थे अकाउंट में। बाद में फिर अकाउंट जमा करने के बाद जब वो उसके स्कीम के फ़ायदा लेने की बात करते थे तुरंत मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो जाता था और उनको कहते थे कि इस तरह से कोई आपका पैसा नहीं जमा है, जबकि खाते में पैसे जमे थे। इस तरह से जब पुलिस के द्वारा देखा गया तो ये फर्जी कॉल सेंटर चला करके जो है रुपए जमा करा रहे थे। इस तरह से आज इनका खुलासा करते हुए 10 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 महिला सहित 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और इस गैंग का सरगना रोहित मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।